इंडिया से या पाकिस्तान से पैदल सफर करना बगैर सवारी के, तो जानबूझ के अपने आप को मुशक्कत में डालने वाली बात है। श्याब भाई की हज यात्रा में कितने पैसे खर्च होंगे? श्याब भाई जिनका नाम हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर छाया हुआ है, श्याब भाई को आज के टाइम पर सब जानते हैं। श्याब भाई ने पैदल हज यात्रा करने का फैसला कर लिया है और वो आज के समय में बहुत ही बड़ी बात है। आज तक किसी ने ये सोचा नहीं होगा कि कोई हज पैदल यात्रा करने जा सकता है। श्याब भाई केरल के मल्लपुरम जिले के रहने वाले हैं। श्याब हमेशा से सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं क्योंकि वो एक यूट्यूबर भी है। श्याब भाई ने काफी समय से पैदल हज यात्रा जाने की तैयारी शुरू कर दी थी। ये फैसला लेने के बाद कि वो हज यात्रा पैदल करेंगे, उसके बाद एक साल तक उन्होंने इसकी तैयारी करना शुरू कर दिया। वो हमेशा से ही फिटनेस का दिन देते हैं। श्याब भाई को हज तक की यात्रा करने के लिए 8600 किलोमीटर चलना पड़ेगा, जो कि चलना इतना आसान नहीं है। जब उन्होंने ये तय कर लिया था कि उन्हें पैदल यात्रा करनी है, तो उसके बाद उन्होंने पैदल चलने की तैयारी शुरू कर दी थी। उन्होंने इसके लिए बहुत मेहनत करी। वो रोज योगा और एक्सरसाइज भी करते थे। लेकिन क्या आपको मालूम है इनकी इस यात्रा में कितना खर्चा आ चुका है? अगर नहीं तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं कि मक्का तक पैदल हज यात्रा में कितने पैसे खर्च करेंगे शिहाब भाई। हज की यात्रा लोग या तो एरोप्लेन से करते हैं या फिर समुद्री जहाज से जाते हैं। इसमें लगभग 4-5 लाख रुपए खर्च होते हैं। लेकिन श्याब भाई ने आज 21वीं सदी में इतनी सुविधाएं होने के बावजूद भी उन्होंने पैदल यात्रा करने का निर्णय ले लिया। हर मुसलमानों का सपना होता है कि वो हज की यात्रा करे, लेकिन श्याब भाई तो पैदल हज यात्रा करने का सपना पूरा करने जा रहे हैं। वो पहले ऐसे इंसान है जो पैदल हज यात्रा करने जा रहे हैं। श्याब भाई भारत, पाकिस्तान, ईरान, इराक और कुवैत से गुजरते हुए सऊदी अरेबिया पहुंचेंगे। इन देशों में और कई शहरों से होकर श्याब भाई गुजरेंगे। पैदल हज यात्रा करने के लिए श्याब भाई को बहुत चक्कर लगाने पड़े। जब वो वीजा के लिए एम्बेसी के पास गए थे, जब उन्होंने बताया तो सब लोग हैरान रह गए कि हज के लिए वो पैदल सफर तय करेंगे और श्याब भाई का ये सफर पूरा होने में काफी पैसे खर्च होंगे। अब श्याब भाई ने अचानक से फैसला नहीं लिया था कि वो एकदम से चले जाएंगे। इसके लिए उन्होंने ट्रेनिंग ली थी और श्याब भाई की ट्रेनिंग में बहुत पैसा खर्च हुआ। वो रोज 25-30 किलोमीटर पैदल चलते हैं ताकि उन्हें चलने की आदत हो जाए, क्योंकि लगातार इतना चलना किसी भी इंसान के लिए आसान नहीं है। इतना पैदल चलने से इंसान बीमार भी हो सकता है। इसके अलावा वो दिल्ली तक पैदल गए थे अपनी पूरी तैयारी के लिए। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दूसरे देश जाने के लिए हमें वीजा की जरूरत होती है और जब हम वीजा लेते हैं तो उसमें भी बहुत पैसे खर्च होते हैं। भारत को छोड़कर और सभी जगह का वीजा लेना पड़ा श्याब भाई को, जिसमें अच्छा खासा पैसा खर्च होता है। श्याब भाई को इतनी आसानी से वीजा नहीं मिला, इसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत करी थी। कोई काम आसान नहीं होता, मंजिल पाने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ती है। तो इन सभी चीजों और कड़ी ट्रेनिंग के बाद श्याब भाई ने अपना सफर 2 जून से कर दिया है। श्याब भाई ने जैसे ही ये सफर शुरू किया, उनकी न्यूज आना शुरू हो गई और लोग श्याब भाई को जानने लगे। आज श्याब भाई को बच्चा बच्चा जानता है, देश ही नहीं विदेश के लोग भी उन्हें जानने लगे हैं। श्याब भाई रोज 25-30 किलोमीटर चलते हैं। वो जब चलते चलते थक जाते हैं तो वो किसी होटल में आराम करने के लिए रुक जाते हैं और जहां जहां भी वो रुकते हैं वहां भी उनके पैसे खर्च होते हैं, उनका खाने का खर्चा भी होता है। वो सुबह उठकर अपनी नमाज अदा करते हैं और उसके बाद फिर अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। वो लगभग रोज ही कहीं ना कहीं रुकते हैं और जैसा कि हमें पता है कि आजकल होटल में रुकने का चार्ज कितना ज्यादा होता है। श्याब भाई की एक टीम भी है जो उनके साथ रहती है और उनकी टीम का खर्चा भी इसी में इंक्लूड होता है, जो कि श्याब भाई को ही देना पड़ता है। उनका खाने से लेकर रहना सब कुछ श्याब भाई को ही देखना होता है और उनकी टीम ही हमें सारे अपडेट देती है। अब श्याब भाई की सिक्योरिटी के लिए उनके साथ हर वक्त पुलिस होती है। श्याब भाई को सुरक्षा की जरूरत पड़ती है क्योंकि वो रात को भी चलते हैं और ऐसे ऐसे एरिया से जाना होता है जहाँ कोई नहीं होता है और वहाँ से अकेले जाना आसान नहीं होता है। अब जिस काम के लिए वो जा रहे हैं, बहुत सारे लोग उन्हें परेशान भी कर सकते हैं। अब ऐसे लोगों से बचने के लिए लाजमी है कि उन्हें पुलिस की जरूरत पड़ती है। अब हर जगह की पुलिस उनके साथ है तो पैसे तो लेती ही होगी, क्योंकि आज के टाइम पर हर कोई अपने काम के पैसे लेता है। श्याब भाई जहां जहां भी जाते हैं वहां लोग उनका इंतजार करते हैं और उनकी एक झलक के लिए खड़े रहते हैं। अलग अलग स्टेट में अलग अलग पुलिस वाले रहते हैं। श्याब भाई एक डॉक्टर और यूट्यूबर है। श्याब भाई अपना यूट्यूब चैनल बहुत समय से चला रहे हैं, उन्होंने उससे भी पैसे कमाए होंगे। पैदल हज यात्रा के लिए उन्होंने सारी चीजें सोचकर ही अपनी ये यात्रा शुरू करी होगी। उन्हें अंदाजा भी होगा कि उनके बहुत सारे पैसे खर्च होंगे इस यात्रा में। श्याब भाई को घर से निकले हुए लगभग 165 दिन हो गए हैं। अभी श्याब भाई पंजाब के कांसा गांव में हैं और वो यहाँ 1 महीने से हैं। पाकिस्तान का वीजा न होने की वजह से उनका सफर बीच में ही रुक गया है और वो 1 महीना पीछे हो चुके हैं। जब वो वाघा बॉर्डर के पास पहुंचे तो उन्हें वीजा देने से मना कर दिया। उनका यह सफर 280 दिन में पूरा हो जाता है, लेकिन अभी उनका यह सफर रुक गया है। इस 1 महीने के पीछे होने की वजह से उनका खर्चा और बढ़ गया है। वो 1 महीने से ही एक जगह पर है, क्योंकि अब जब श्याब भाई को वीजा मिलेगा तो उन्हें अपनी दुगनी स्पीड से चलना पड़ेगा, नहीं तो वो लेट हो जाएंगे। श्याब भाई की टीम भी वहीं पर है। श्याब भाई वहां से हर रोज 8 किलोमीटर चलते हैं। वो वहां की जगह को एक्सप्लोर करते हैं। अब वीजा न मिलने की वजह से
उनका पैसा ज्यादा खर्च हो रहा है। अब जैसे ही वो वाघा बॉर्डर क्रॉस करेंगे वो अपनी टीम को अलविदा कह देंगे। उनकी टीम भी पूरी कोशिश कर रही है कि उन्हें जल्दी से जल्दी पाकिस्तान का वीजा मिल जाए और वो अपनी यात्रा शुरू कर सके। अब शियाब भाई की ये सारी चीजें जानकर आपको अंदाजा तो लग गया होगा कि शियाब भाई का बहुत ही ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है इस पैदल हज यात्रा में। अगर यहाँ पर हम कंपेयर करते हैं प्लेन या फिर समुद्री जहाज से तो उनका पैसा पैदल हज यात्रा करने से ज्यादा खर्च हो रहा है। इसीलिए इतना आसान नहीं है पैदल हज यात्रा करना। इसके लिए इंसान के अंदर हिम्मत होनी चाहिए तभी वो ये हज की यात्रा पैदल कर पाएंगे। अब शियाब भाई इस यात्रा में बिना डरे निकल चुके हैं। आशा करते हैं कि वो इस यात्रा में सफल हो जाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि सबकी दुआएं कबूल हो और शियाब भाई जल्दी से अपनी इस यात्रा को शुरू कर सके। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी आज की ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताना और हाँ जाते जाते इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों आपको स्क्रीन पर दो और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।